है और मैं ASP डिफेंस के तौर पे अपने फराइज अंजाम दे रही हूँ। आज एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लाहौर में हुआ, हमने देखा कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। आज हम डिफेंस बी के थाने में मौजूद हैं और यहाँ ही हमारा एंटी हैरेसमेंट सेल भी मौजूद है। इधर गुफ्तगू करने का प्राइमरी मकसद ये था कि हम लोगों को ये अप्राइज कर सकें कि हम एज अ पुलिस फोर्स, हम एज फीमेल पुलिस ऑफिसर्स, क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन एंड चिल्ड्रन और सारी वनरेबल कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उन्हें बहुत सीरियसली लेते हैं। आज हमारे पास वो दो अजीम शख्सियात मौजूद हैं जो इस इशू के बारे में बात करेंगी जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हुआ। मेरे साथ उनके वालिद साहब और चचा खड़े हैं, आए सुनते हैं उनके इमोशंस उन्हीं की ज़ुबान से कि उनको कैसा लगता है जब प्रोपेगेंडा की बेसिस के ऊपर इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएं। सर अस्सलाम वालेकुम। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाकया हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं, उसमें ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें। तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं तो उनको बैक बोन पे चोट लगी है जिसकी वजह से वो ICU में गई हैं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। उसके लिए फिर ये है कि मुकम्मल तौर पे वो 7 दिन एडमिट रही हैं। आपको कैसा लगता है जब किसी भी बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है और बिला वजह की अफवाहें फैलाई जाती है? बस ये है कि जिनकी बेटियां हैं वो कम से कम ये पेन को ना फील कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब से ये हमने वीडियो देखी हमें तो खुद इस चीज़ पर हुआ है कि देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे, ठीक है। बाकी ये है कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उस पर, मतलब वो हमें उस चीज़ पे है कि कम से कम उनकी भी माएँ बहनें घर पे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जिस तरह सर ने जिक्र किया कि सबके घरों में बेटियाँ हैं, माएँ हैं और बहनें हैं, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन में घर वालों को मलाइन ना करें। थोड़ी देर के लिए ये ज़रूर सोचें कि इनके ऊपर क्या बीतती होगी जब इनकी बेटी का बार बार नाम लिया जा रहा होगा ऐसे इंसिडेंट के साथ। प्लीज़ एहसास करें इनका, एहसास करें मुल्क की सिचुएशन का, एहसास करें इस चीज़ का कि ये जो क्राइम है वो बहुत ग्रेव है। अगर ये चीज़ हो जाए किसी भी बेटी, किसी भी माँ, किसी भी बहन या किसी भी बच्चे के साथ तो पुलिस सबसे पहले अपनी मुदैयत में FIR देगी, लेकिन उसके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, उसके लिए विक्टिम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उसके लिए मेयर प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा सकती। आपका बहुत शुक्रिया।